देश में लोकसभा चुनाव समय से पहले होने की अटकलों को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने खारिज कर दिया है। एक इंटरव्यू में अनुराग ने कहा कि आम चुनाव समय से पहले या बाद में करवाने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल के आखिरी दिन तक देश और जनता की सेवा करना चाहते हैं। भाजपा लंबे समय से एक चुनाव के समर्थन में है। वहीं एक देश एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद कमेटी की अधिसूचना जारी होने के अगले ही दिन इसका काम भी शुरू हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय कानून मंत्रालय के टॉप ऑफिसर्स ने 3 सितंबर को पूर्व राष्ट्रपति कोविंद से मुलाकात कर उन्हें एक देश एक चुनाव के मसले पर ब्रीफिंग दी है। एक दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इंडिया यानी भारत ये राज्यों का संघ है। वन नेशन वन इलेक्शन का आइडिया संघ और राज्यों पर हमला है। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एक देश एक चुनाव को भाजपा की साजिश बताया है। दिसंबर 2015 में संसद की स्थायी समिति ने अपनी एक रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को 2 चरणों में करवाने की सिफारिश की थी। 2 सितंबर को जारी अधिसूचना में सरकार ने विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि हर साल और बिना तय समय के होने वाले चुनाव रुकने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।